अविनाश अविनाश, आप हमें अवॉइड क्यों कर रहे हैं? नहीं रिमझिम, मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगा? एक्चुअली ऑफिस जाने के लिए थोड़ी देर। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप हमें अवॉइड कर रहे हैं। अगर कोई बात है या कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। प्रेम के बारे में तुम्हारी क्या राय है रिमझिम? मतलब ये कि क्या प्रेम तुम्हें पसंद है? उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसके साथ वक्त बिताना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? अगर ऐसा है रिमझिम, तो मेरे ख्याल से तुम्हें प्रेम के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। और कहीं अगर तुम्हें प्रेम पसंद नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी, तो प्लीज किसी दबाव में आके फैसला मत लेना। तुम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। और कहीं अगर ऐसा है तो फिर प्रेम को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, उसे यहां से जाना होगा। अविनाश, आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रेम से हमारे रिश्ते की बात या प्रेम के इस घर में रहने की बात में हमारी मर्जी शामिल नहीं थी। और जहां तक हमारी पसंद की बात है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अविनाश, हमारी जिंदगी के जो भी फैसले हुए हैं उसमें हमारी मर्जी कब शामिल थी या हमारी मर्जी की क्या अहमियत थी? या फिर हमारी जिंदगी के सारे फैसले किस्मत पर छोड़ दिए जाते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था रिमझिम, क्या प्रेम तुम्हें पसंद है या नहीं? अविनाश, हमसे ऐसी कोई बात मत पूछिए जिसका जवाब हमारे पास ना हो। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया।